राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस लाइन में पहली बार आयोजित हुई पुलिस की दीपावली। बता दें, पुलिस त्योहारों के समय तनाव मुक्त ड्यूटी कर सके, इसको लेकर भीलवाड़ा एसपी ने एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पुलिस लाइन में पहली बार दीपावली स्नेह मिलन समारोह पुलिस की दिवाली का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही अपने परिवार के साथ पहुंचे और सभी पुलिसकर्मियों ने एक साथ आतिशबाजी करते हुए डीजे की धुन पर डांस भी किया। साथ ही साथ एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भी बच्चों के साथ मिलकर आतिशबाजी की। यही नहीं, बेहतर पुलिसिंग और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस दौरान एसपी ने पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त होकर ड्यूटी करने का संदेश दिया। बता दें, पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता भी शामिल हुए। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी। चलिए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा। बिल्कुल, काफी लंबी ड्यूटी रही इस बार और हमेशा ही रहती है। त्योहार में हम लोग जो है पुलिस परिवार से दूर रहते हैं और साथ में परिवार को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो एक कोशिश ये है कि पुलिस परिवार और हमारे बीच में एक संपर्क बने और एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, ताकि तनाव मुक्त रहेंगे तो हम लोग अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। और इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। जो मेहनत कर रहे हैं और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना हमारा फर्ज बनता है। मैं आशा करता हूँ कि उनसे सीख लेकर पूरा पुलिस महकमा और बेहतर प्रदर्शन आगे के दिनों में करता रहेगा। और एक बार फिर से पूरे पुलिस परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश ये रहती है कि त्यौहार में हमारी ड्यूटीज एक्स्ट्रा रहती हैं, ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो डेफिनेटली और त्यौहार में परिवार की अपेक्षा रहती है कि साथ में त्यौहार मनाएं। तो अगर त्यौहार के बाद हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को फ़ायदा मिलेगा, मोटिवेटेड होंगे आगे और अच्छा कार्य करने के लिए, तो इस तरह की पहल जारी रहेगी। जागरूक टाइम्स के लिए भीलवाड़ा से पंकज पोरवाल की रिपोर्ट।